चलिए जी बेटे, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमारे पास जो एक टॉपिक है, इसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा आज की क्लास में हम कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा बेस, जर्नल एंट्रीज, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कितनी पार्टीज हैं, क्या कंसाइनमेंट का बेस होगा, वो ईच एंड एवरी पॉइंट आज की क्लास में मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करने वाला हूँ। सही है? तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में आप सभी लोग मेरे साथ बेटा नोटबुक निकाल लीजिए। नोटबुक में मैं एंट्रीज और ये सब चीजें नोट करवा के चलने वाला हूं। चाहे पेपर में क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव, चाहे पेपर में क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव, सबसे जरूरी होता है बेटा कंसेप्ट। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के मूड में है, चाहे मल्टी च्वाइस क्वेश्चन करने के मूड में है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ भी करें, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप ये बात मानकर चलो चैप्टर करना, अगर मान लो पेपर सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक रट्टा मारने वाली बात है। सही है? एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्लास प्लस टू तक क्या रहता है कि क्वेश्चन टू आंसर रहता है कि भाई इलस्ट्रेशन करवा दें, प्रैक्टिकल हम कर लें, डाउट आए तो टीचर जो है वो डाउट ले ले सिलेबस पूरा। कंसेप्ट के पीछे नहीं जाते हम लोग। तो मेनली फोकस क्या है बेटा, अगर आप जिस तरह के कोर्स में इनरोल हुए, ये जो लेवल है बेटा आपका, ये सीखने का लेवल है। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, ये नॉलेज लेवल आपका आगे जाके काम आना है। तो इसलिए पहले कोशिश करें कि जो कंसेप्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अकाउंट्स को लेकर, उसको समझें कि उस टॉपिक का एडवांटेज क्या है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये बेटा कहीं ना कहीं अगर आप एक बिजनेसमैन बनने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। सही है? तो समझिए, हमारे पास एक चैप्टर है बेटा जिसका नाम है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं आपके साथ एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आपका टॉपिक जो है इसका नाम है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट्स। आप बोलेंगे सर कंसाइनमेंट है क्या? देखो आज की जो मेरी क्लास है, मैं आपको सही बात बताऊं, आज की क्लास में कोई क्वेश्चन आंसर में नहीं करवाने वाला। आज की क्लास में पहले आप वेरी इजी वे में आप ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट चीज क्या है? आपने शायद कुछ लोगों ने नाम ही पहली बार सुना हो कि कंसाइनमेंट ये क्या कंसेप्ट होगा, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कंसाइनमेंट बेसिकली अगर मैं बताऊं तो कंसाइनमेंट एक तरह का बिजनेस यहां ऐसा होगा जहां हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सेल परचेज मॉडल तो है, लेकिन सेल परचेज मॉडल डायरेक्टली सेलर और परचेजर का नहीं है। क्या होता है मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। मान लीजिए हमने एक फैक्ट्री लगाई विशेष पेन बनाने की, ठीक है जी, विशेष पेन बनाने की एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब हमारे पेन का नाम क्योंकि विशेष है तो क्वालिटी भी विशेष होगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि जब तक इसको हम लोग मार्केट में बहुत बढ़िया लेवल पर लॉन्च नहीं करेंगे, जब तक इसकी बढ़िया एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, मार्केट में लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, विशेष पेन चाहे कितना भी विशेष हो मार्केट में सेल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि भैया मेरे बैच में आओगे तो आपको ये 10 रुपए वाले विशेष पेन परचेज करने पड़ेंगे, तो आप भी बोलोगे सर मैं क्यों परचेज करूं। अगर मेरे पेन में वाकई में अच्छी क्वालिटी है तो शायद आप ले भी लो, अगर नहीं है तो आप बोलोगे सर मार्केट में कितने सारे ब्रांड हैं बढ़िया बढ़िया, मेरा दिल करेगा वो पेन मैं परचेज करूंगा, विशेष पेन मैं क्यों लूं। तो इसकी डिमांड जनरेट करने के लिए मेरे को हैवी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में जाके इसका पूरा मतलब अवेयरनेस करना पड़ेगा। बट इस अवेयरनेस करने के चक्कर में तो मैं मारा जाऊंगा, क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट कितना कॉस्टली होगा शायद मेरे लिए, तो वो कॉस्ट मैं लगा दूं। सोचिए मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट में एडवर्टीजमेंट डाल दिया और मेरा प्रोडक्ट मार्केट का सेलिंग प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो भाई साहब मैं तो मारा गया, मेरा लॉस कितना हो जाएगा। सही है ना? तो मैंने सोचा कि नहीं यार एडवर्टीजमेंट पर पैसा कम खर्च करते हैं और प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचना स्टार्ट करते हैं। मैं गया होलसेलर के पास, मैंने जाके बोला होलसेलर से कि सर ये देखिए ये हमने विशेष पेन बनाया है, आप इसको हमसे खरीदो, आपसे रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर से कस्टमर खरीदेगा, बढ़िया मार्जिन हो जाएगा। लेकिन होलसेलर मेरी बात पे एग्री नहीं होगा। मैं आपको एक मार्केट का एक रूल बताता हूं बेटा, कोई भी प्रोडक्ट जब आपको बेचना है, मार्केटिंग का थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, अगर आप प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लेकर जाओगे
भाई साहब आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा, बिकेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने का सही तरीका क्या है कि अगर मैंने विशेष पेन बनाकर बेचना है तो विशेष पेन बनाना तो बाद की बात है, पहले विशेष पेन का हम लोग डिजाइन बनाएंगे, मार्केट में एड रिलीज करेंगे और इसकी खूबियां मार्केट को बताएंगे कि भाई हमारे पेन में क्या खूबी है कि ये पेन जो खरीदेगा वो सिर्फ हाथ में लेगा तो उसका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए अगर ऐसा हो जाए फिर तो मजा ही आ जाए, क्यों? लेकिन वो तो एक मजाक की बात आई कि प्रैक्टिकली क्या है कि मेरे को पहले इस पेन की खूबियां बतानी पड़ेगी, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं यार कोई ना कोई तो क्वालिटी है। आपके पास डायरेक्टली मैंने एडवर्टीजमेंट किया, आप किसके पास जाएंगे? कस्टमर किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास, कि भाई मार्केट में एक विशेष पेन आया है हमें दे दो। अब रिटेलर के पास तो प्रोडक्ट नहीं है, रिटेलर वो डिमांड किससे करेगा? होलसेलर से, कि भाई कोई विशेष पेन आया है क्या? और फिर रिटेलर जो है होलसेलर से मांगे और होलसेलर आके फिर हमसे बात करेगा कि सर विशेष कंपनी आप हो तो हमें आपके पेन चाहिए, फिर हम उसको बना कर देंगे। तो ये एक मोड है, लेकिन इस मोड से अगर मैं जाता हूं तो डिमांड पैदा करने के लिए जो मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो मेरे को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, वो कॉस्टली कितनी होगी। तो इसलिए शायद वो रूट मेरे लिए हेल्दी अभी नहीं है क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है। तो मैंने इस रूट को इस तरह से नहीं लिया, मैं दूसरे रूट से चला गया, उस दूसरे रूट का नाम है कंसाइनमेंट। अब ये जो रूट मैं अभी तक बता रहा था ये सेल परचेज मॉडल है जो आप रूटीन में अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं, मैं वो मॉडल ही नहीं बता रहा, मैं मॉडल आपको दूसरा बता रहा हूं जिसका नाम है बेटा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या है सुनो जरा, मेरा ये मोटिव है कि मैं होलसेलर के पास जब गया था तो होलसेलर ने डिनाय कर दिया था कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर को चिपका दूं और होलसेलर के पास आके डिमांड ना आए तो अल्टीमेटली तो स्टॉक होलसेलर के पास पड़ा रह गया, एंड हो गया, उसका लॉस हो गया, तो होलसेलर मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो इसलिए मैं उस रूट पर जा गया तो मैं वहां फेल हूं कि क्योंकि होलसेलर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदने को तैयार। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा रूट लिया कंसाइनमेंट, जिसमें होगा क्या, जिसमें हम बनाएंगे अपने एजेंट्स, जिसमें हम बनाएंगे अपने एजेंट्स। एजेंट के साथ जब मैं काम करूंगा तो इसमें दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी जिसका नाम मैं रखने वाला हूं कंसाइनर और एक पार्टी जिसका नाम होगा बेटा कंसाइनी। दो पार्टी है मेरे पास, एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनर और एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनी। दो पार्टीज होंगी, एक होगा कंसाइनर और एक होगा बेटा कंसाइनी। कंसाइनी जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं, कंसाइनर जो है एक तरह से प्रिंसिपल है और कंसाइनी जो है वो हमारे लिए एजेंट का काम करे, प्रिंसिपल एंड एजेंट। आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्या है? बेटा ऐसा है कि मैंने जो है अपना कंसाइनी जो है वो बना लिया राहुल को, मिस्टर राहुल जिंदल हमारे बैच में है, हमने मिस्टर राहुल जिंदल को अपना एजेंट बना लिया। सही है जी, राहुल जी को बोला कि राहुल जी ऐसा है कि हम ये विशेष पेन बनाकर बेचना चाह रहे हैं और आप जो है अगर आप चाहें तो पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। तो राहुल जी बोले कि पढ़ाई के साथ कमाई हो जाए तो मजा ही आ जाए, ऐसा क्या है? तो मैंने बोला राहुल जी ऐसा है हमने ये विशेष पेन बनाया है, आप कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, आप हमसे बस विशेष पेन ले जाया करो बैग भर के और अपने जाके कॉलेज में स्कूल में जाके दस के चार कर दो काम, कुछ ऐसा मतलब, समझ गया मेरी बात? तो आप जाके बेच दो और आप जो प्रोडक्ट बेचोगे जो सेल वैल्यू आएगी उसका एक परसेंटेज हम आपको एज अ कमीशन देते। अब आपको मैं फायदे गिनाता हूं, सबसे पहले कि मैंने आपको क्या बना लिया, अपना एजेंट, आपका कोई रिस्क नहीं है। अभी सारी बातें मैं लिख के भी चलूंगा बेटा, मैंने एक बार पहले आपका माइंड सेट कर दूं, मैंने आपको अपना एजेंट बना लिया, मैंने बोला आपका कोई रिस्क नहीं है। तो बस क्या कीजिए, रूटीन में सुबह आओ, बैग भर लो, काउंट करवा के ले जाओ, अपने स्कूल कॉलेज में जाओ जहां पढ़ते हो वहां ये पेन बेचो। एक पेन का फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस 10 रुपए, तो हम प्री डिटरमाइन कर लेंगे कमीशन का रेट। फॉर एग्जाम्पल हमने कमीशन का रेट डिसाइड कर लिया 10%, इट मीन्स जितनी आप सेल करोगे उसका 10% आप कमीशन ले लो। रूटीन में जाके फॉर एग्जाम्पल आपने
एक दिन में 50 पेन बेच दिए, तो आपने तो 500 का सेल कर दिया, एक पेन 10 रुपए का बेचना है, 500 का सेल कर दिया। अब आपको पर पेन मैंने 1 रुपया कमीशन देना था, तो 50 पेन बेचने का मतलब आपकी 50 रुपए की कमाई होगी। आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है। आपसे पेन बिके तो बढ़िया बात है, नहीं बिके तो आप हमारा स्टॉक हमें लाके वापसी दे देना, सही बात है या नहीं है? आपका कोई रिस्क नहीं है, बस आप तो प्रोडक्ट ले जाओ, बेचो, अगर आप बेच सकते हो, सेल करने पर जो वैल्यू आएगी उस पर हम आपको कमीशन दे देंगे, और बाकी स्टॉक अगर आपसे ना बिके हमें रिफंड कर। कोई सेल परचेज नहीं है हमारे बीच में, बस आप हमारे बिहाफ पर एज अ एजेंट हमारा प्रोडक्ट सेल करिए और उसके ऊपर हम आपको दे देंगे कमीशन, सारा रिस्क हमारा। रिस्क मतलब सुनो, अगर मान लो इस मॉडल में, इस पूरे मॉडल में मैं आपको स्टॉक दूंगा फिर आप आगे बेचोगे, तो छोटे छोटे कुछ एक्सपेंस भी हो सकते हैं, सारे एक्सपेंस हमारे, आपका कोई रिस्क नहीं। अगर मैं आपको स्टॉक भेजता हूं, आप उसको आगे सेल करते हो, इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई एक्सपेंस हुए सब हमारे, यहां तक कि अगर आपने, मैंने आपको स्टॉक दे दिया और आपने आगे सेल कर दिया उधार में, क्रेडिट में, और वो बंदा बैड डेट हो गया, वो भी रिस्क हमारा, वो आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि गुड्स का ओनर तो मैं हूं, आप तो हमारे सिर्फ एजेंट हो ना, आपने तो हमारे बिहाफ पर सिर्फ सेल किया, आपने जिसको सेल किया वो पार्टी बैड डेट हो गई, तो वो रिस्क आपका नहीं है, वो रिस्क मेरा है। आप तो बस मजे करो, आप तो क्या करो, हमारा प्रोडक्ट ले जाओ, सेल करो, अगर आपसे सेल हो गया तो आप कमीशन रख लो, और इसमें भी खास बात क्या, आप हमसे प्रोडक्ट ले जाओ, सेल करो, सेल करके जो अमाउंट आएगा आप अपना कमीशन रिड्यूस कर लो, अपनी जेब में रख लो, बाकी दे दो, आपका कोई रिस्क नहीं है, बस आप तो हमारा प्रोडक्ट बेच दो। कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, मोटी मोटी बात मैंने बताई है, मैं डीप में डिटेल से हर बात को यहां लिख के चलने वाला हूं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट। तो बेटा कंसाइनमेंट में पार्टीज कितनी है, दो, एक है कंसाइनर और एक है कंसाइनी। कंसाइनर वो पर्सन है जो प्रिंसिपल है, जो गुड्स का ओनर है, जो हो सकता है मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है होलसेलर भी हो, जो अपने रिस्क पे काम करना चाह रहे हैं। तो कंसाइनर इज अ पर्सन लाइक एज प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज अ पर्सन लाइक एज एजेंट। कंसाइनी इज अ एजेंट ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर स्टॉक सेंड करेगा किसको, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब होता है बेटा नो परचेज सेल, या यू कह लो कि ओनली, ऐसा लिखो बल्कि नो परचेज सेल की बजाय ओनली ट्रांसफर द गुड्स, नोट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमने सिर्फ गुड्स ट्रांसफर किए, हमने सिर्फ गुड्स ट्रांसफर किए, ओनरशिप ट्रांसफर हमने नहीं किए। मतलब ओनरशिप अगर मैं ट्रांसफर कर देता फिर तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने बेच दिया। ओनरशिप में आपको पता होगा, अगर आपने सेल एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि मेरे पास गुड्स हैं, मैंने उसकी ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफर कर दी, इट मींस आज के बाद ओनर आप हो गए, इट मींस मैंने आपको एसेट को बेच दिया। तो मैं कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ओनरशिप आज भी किसकी है, कंसाइनर की है। हमने आपको अपना एजेंट बना लिया, हमने बोला कि आप हमारे बिहाफ पर स्टॉक को सेल कर ले जाओ, तो आप तो क्या करोगे, आप आइए, आप हमसे स्टॉक कैरी करके ले जाओ, ओनरशिप आज भी हमारी है, आप तो हमारे बिहाफ पर वो पर्सन हो जो कि गुड्स को सेल करने वाले। तो ओनली ट्रांसफर ऑफ गुड्स, नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बात समझ में आ रही है? अब ये मत समझना कि मैं थ्योरी पढ़ा के काम करवा रहा हूं। बेटा पहले जब तक बातें ही नहीं पता होंगी, शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा, तो भाई साहब आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि ये +1 +2 या दूसरे लेवल पर जो आपने पढ़ा वैसा कुछ नहीं है। पहले इसका फंडा पूरा समझना पड़ेगा, तो ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। सही बात है?
तो पहले जो वर्ड्स मैं यूज करने वाला हूं पहले उनका मैं मीनिंग बता दूं, अदरवाइज आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए फिर, तो कंसाइनर वो पर्सन है जो कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, ओनली ट्रांसफर द गुड्स नॉट द ओनरशिप। कंसाइनी एज अ एजेंट काम करेगा, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स फॉर कमीशन। मतलब ये कि हम कंसाइनी को जब स्टॉक देंगे और वो कस्टमर को ये गुड्स सेल करेगा तो कंसाइनी का क्या फायदा है? तो बेटा कंसाइनी का फायदा है कि कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन। यहां मैं आपको वैरायटी ऑफ कमीशन भी बताऊंगा कि विच टाइप ऑफ कमीशन अवेलेबल फॉर कंसाइनी, वो सब बातें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। चलो पहले इस मॉडल को जब मैं समझा रहा हूं तो इस मॉडल में सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कि हम लोग जब कंसाइनमेंट पूरा चलाएंगे तो बेटा इसमें हमारे पास कितने टाइप के एक्सपेंस होंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस इन कंसाइनमेंट। आपको याद है एक वर्ड आता था डायरेक्ट एक्सपेंस और एक वर्ड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है? चलो फिर एक बात बता दो आप सभी लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? एक स्टूडेंट ने बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्चरिंग में होता है और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल परचेज में होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नहीं, गलत जवाब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? आपने नाम सुने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सभी ने सुना है, तो मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूं ना डायरेक्टली कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, आपने पढ़ा है उसके बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंस देखो, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, मैं आपको सारे, मेरा काम है कंसेप्ट खोलने का। सबसे पहली बात, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच ऑलवेज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमेशा प्रोडक्शन की कॉस्ट को अप करेंगे। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच ऑलवेज रिड्यूस द प्रॉफिट, जो हमेशा प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट तो अपने आप ही रिड्यूस होगा। एक बार आपने बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, सर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट तो अपने आप ही डिक्रीज होगा ना, दो अलग अलग बातें हैं। अगर देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से जो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, बेटा कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मेरी अकेले की थोड़ी होगी, सभी की होगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मैं सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करूंगा, सही है ना? तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं कभी भी, अगर आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंस पहले लगते थे आज उसका रेट बढ़ रहा है, महंगे हो रहे हैं, इट मींस आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आप उसके लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करोगे। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज रिड्यूस प्रॉफिट, सही है? आपको जो ये ट्रेडिंग पीएनएल आपने पढ़ा, जीपीएनपी निकालते हो, आपको आज तक आदतों को तो ये नहीं समझ में आएगा कि जीपी निकालने का चक्कर क्या है भाई, क्यों ट्रेडिंग और पीएनएल बना रहे हो, सारे को इकट्ठा करके एक ही बना दो, तो आपको अल्टीमेटली मतलब तो नेट प्रॉफिट से है ना, क्यों पहले जीपी निकालते हो, क्यों बाद में एनपी निकालते हो? तो फाइनल अकाउंट्स आने तो मैं वो भी बता दूंगा कि भाई जीपी निकालने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था और एनपी निकालने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था, सही है? उसका अपना लॉजिक है, ये नहीं है कि ठीक है आपको पहले ग्रोस निकालना है फिर नेट निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों हमने ग्रोस निकाला और क्यों हमने नेट निकाला, उसका लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां अगर बात करूं, एक बात सभी को क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज डिक्रीज प्रॉफिट, ये वाली बात याद रखना, सही है जी? सुनो यहां मैं उनका नाम, अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं स्टार लगा के दो बातें लिखता हूं, यहां मैं डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस रखने वाला हूं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम मैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस रखने वाला हूं,
यहां वर्ड आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिलेगा, आपको एक्सपेंस का नाम मिलेगा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन भी कर दूं, एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर्स गोडाउन टू कंसाइनीज गोडाउन। कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक पहले स्टॉक को हमें सेंड करना है, तो रास्ते में जो भी एक्सपेंस होगा वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। सही बात है जी। एक बात सोचो यार, मैं क्या मतलब बताने की बात कर रहा हूं। ये नोट हो गया, थोड़ा ऊपर कर दो स्क्रीन को। ये देखिए, अगर कंसाइनर और कंसाइनी, भाई साहब कंसाइनर बैठा दिल्ली में और कंसाइनी बैठा हिसार में, और हमने जो स्टॉक बनाया वो दिल्ली से हम कहां सेंड करेंगे, पहले हिसार और फिर वो आगे सेल करेगा। तो दिल्ली से लोड होगा और हिसार हमारे कंसाइनी के गोडाउन में अनलोड होगा। तो बस इस रोटेशन में जितने एक्सपेंस लगेंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस कौन से हैं, नॉन रिकरिंग, और उनका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज वो सारे एक्सपेंस आपकी कॉस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज। एक बात सोचो ना यार, दिल्ली में जो चीज 100 रुपए की है वो हिसार में तो 100 की नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लाने के खर्चे भी तो लगते हैं, ये बात तो आप मानते हैं। तो जो चीज दिल्ली में 100 रुपए की है, हिसार में आके फॉर एग्जाम्पल वो 120 की तो वैसे ही बन जाती है, क्योंकि रास्ते का लोडिंग अनलोडिंग किराया वो चीजें वो सब मिलाकर, हाँ या ना। तो वो सारे एक्सपेंस जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, डायरेक्ट। बट कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं उसका नाम क्या रख देने वाला हूं, नॉन रिकरिंग। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना थोड़ा सा इसका। ये देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं, गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह हो गई तो नुकसान हो सकता है इसलिए रास्ते का इंश्योरेंस करवा दिया। लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपेंस हो सकता है बेटा, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस हो सकता है, और भी छोटे छोटे 500 एक्सपेंस हो सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं कि ये एक्सपेंस गोडाउन से कंसाइनर गोडाउन से कंसाइनी गोडाउन में होंगे। सही बात है। आप कितने भी एग्जांपल ले लो, ये तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और वहां क्लियर इन एग्जांपल से नहीं होगा, क्लियर कंसेप्ट से होगा। कंसेप्ट क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो आप क्या बोलेंगे, कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक अनलोड करवाने तक में भी जो एक्सपेंस हो गए वो सारे कौन से हैं, नॉन रिकरिंग। अब मैं एक एक्सपेंस बोलूंगा कि रास्ते का किराया लग गया, रास्ते में टैक्स लग गया, अनलोडिंग करने वाले को लेबर दे दिया, तो आपका माइंड क्या बोल रहा है कि यार ये सारे के सारे कौन से हैं, नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये अनलोड होने तक के एक्सपेंस है। तो सिर्फ एग्जाम्पल बताने से काम नहीं होता है, काम कंसेप्ट बताने से होता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। क्लियर है? चलो, नॉन रिकरिंग के बाद दूसरा एक्सपेंस होगा बेटा, डायरेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर मेरे पास आएगा बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरे पास आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम यहां मैं रेकरिंग एक्सपेंस रख दूंगा बेटा, इनडायरेक्ट का नाम यहां मैं क्या रख दूंगा, रेकरिंग एक्सपेंस। आप बोलेंगे सर ये कौन से खर्चे हैं, तो मैं इसका नाम बोल रहा हूं बेटा एक्सपेंसेस पेड फॉर सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विच आर इन गोडाउन ऑफ कंसाइनिंग. It also include all expenses of godown. इसमें गोडाउन के भी सारे एक्सपेंस इंक्लूड होंगे. सही है. मतलब सीधी बात बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक अनलोड करवा दिया, वो सारे नॉन रेकरिंग है, सारे डायरेक्ट हैं. कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक अनलोड हो गया, अब बॉस उस अनलोड स्टॉक को आपने सेल करना है. सेल करोगे कैसे? उसको सेल जब करोगे तो पहली बात तो गोडाउन में स्टॉक रखने के बाद गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा. लिखो आप जरा एग्जाम्पल, लिखो रेकरिंग एक्सपेंस. आप बोलेंगे सर मतलब एग्जाम्पल बिना बात नहीं बनेगी. चलो जी एग्जाम्पल बता देता हूं. एग्जाम्पल अगर लें तो भाई साहब एग्जाम्पल हो सकता है क्या? गोडाउन का रेंट. गोडाउन इंश्योरेंस. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. आप प्रोडक्ट लाए तो बेचना तो पड़ेगा, उसके लिए एडवर्टीजमेंट किया. कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी एक्सपेंस है, वो सब बेटा कौन से एक्सपेंस होंगे? रेकरिंग. मतलब कंसाइनर्स गोडाउन से कंसाइनी गोडाउन तक स्टॉक लेके जाओगे, एक्सपेंस होंगे नॉन रेकरिंग. कंसाइनी गोडाउन में पहुंचने के बाद जो एक्सपेंस होंगे उनका नेचर होगा बेटा रेकरिंग. ये वाली बात बताएं. कुछ पूछना है बेटे आपको? किसी का यहां तक कोई डाउट है? पता है मैं. हां जी बेटा. देखो अगर कंसाइनर, आपका क्वेश्चन है कि सर कंसाइनर के गोडाउन का जो रेंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करता हूं. मतलब आपके सिलेबस में वो चीज प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं सिर्फ एक बात बता देता हूं कि आपका क्वेश्चन है कि सर कंसाइनर के गोडाउन का अगर रेंट है तो उसका क्या होगा. कंसाइनर पहली बात है कौन? कंसाइनर वो पर्सन है जिसने विशेष पेन बनाया है. अब कंसाइनर वो पर्सन है जो कि विशेष पेन का मैन्युफैक्चरर है. कंसाइनर है विशेष मैन्युफैक्चरर. अब जो ये विशेष मैन्युफैक्चरर है ना बेटा, ये खुद भी प्रोडक्ट बेच रहा है और ये कंसाइनी को सेंड भी कर रहा है. सही है. तो कंसाइनर जो है वो मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी मेन जब अकाउंटिंग करेगा अपने खर्चों को कंसाइनमेंट के रिलेटेड नहीं लाएगा. आपको सभी को एक बात बता दूं, थोड़ा अगर एडवांस लेवल पर जाएं तो विशेष मैन्युफैक्चरर ने ए को अपना एजेंट बना रखा है, कंसाइनी बना रखा है. बी को अपना एजेंट बना रखा है. सी को अपना एजेंट बना रखा है. तो हम इनके साथ जो डीलिंग करेंगे, विशेष कंसाइनर अगर अपने कंसाइनी के साथ डीलिंग करेगा तो इसके सेपरेट अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट. इसके सेपरेट अकाउंट बनाएगा, इसके सेपरेट अकाउंट बनाएगा और पैरेलल अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अलग से लेकर आएगा. थोड़ा बता देता हूं. अब कंसाइनर जो है मेन, ये बिजनेसमैन, ये अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल लाएगा. ट्रेडिंग पीएनएल में ये सारी परचेज दिखाएगा, एक्सपेंस दिखाएगा, इधर वो सेल दिखाएगा और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो दिखाएगा और गुड्स सेंड टू कंसाइनी वाला पोर्शन दिखाएगा. उसके बाद बेसिकली यहां से जीपी निकलेगा और उसके बाद फिर वो बनाएगा जीपी को यहां ट्रांसफर करके. अगर आप मेरी बात समझ रहे, ये तो खुद के बिजनेस में सेल करने से होगा. फिर कंसाइनी ए से कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फ्रॉम उसका कंसाइनमेंट अकाउंट बना के प्रॉफिट लाके यहां ले आएगा. फिर बी का जो प्रॉफिट है वो ले आएगा. फिर सी कंसाइनी से कितना प्रॉफिट हुआ वो ले आएगा.
फिर अपने सारे एक्सपेंस माइनस करके अपना सारा नेट प्रॉफिट निकाले। मतलब मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं कि कंसाइनर जो है वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अपना ट्रेडिंग पीएनएल बनाएगा, सही है। वहां अपनी खुद की सेल परचेज से जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो भी शो करेगा, जितना कंसाइनमेंट से प्रॉफिट कमा रहा है वो भी शो करेगा, वो अपने कॉमन अकाउंट बनाएगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सही है। बट ये चीज आपके सिलेबस को कवर नहीं करती है, इसलिए हमें इसके बारे में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सिलेबस पढ़ेंगे वो ये पढ़ने वाले हैं सिर्फ कि कंसाइनर जो पर्सन है अगर वो अपना एजेंट ए को कंसाइनी को बना रहा है तो ए कंसाइनी जो है उसको जब हम स्टॉक सेंड करेंगे तो उसका रिकॉर्ड कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे मेंटेन होगा, मैं सिर्फ वो बताऊंगा। आज की क्लास जब मैं खत्म करूंगा तब तक मैं इस लेवल पर आ जाऊंगा कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कौन से अकाउंट्स बनेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कौन से अकाउंट्स बनेंगे, मैं आपको ये सब बता दूंगा। आज बनेंगे कैसे वो नेक्स्ट क्लास तक जाएंगे, आज हम इस लेवल पर ले आएंगे आपको, सही है। तो एक बार मैं ये बता दूं, कंसाइनर के इटसेल्फ जो खुद के एक्सपेंस है जिनका रिलेशन कंसाइनमेंट से नहीं है वो अपने ट्रेडिंग पीएनएल में शो करेंगे, और जिन एक्सपेंस का रिलेशन कंसाइनमेंट से है उन एक्सपेंस को वो कंसाइनमेंट में शो करेंगे। अब जैसे कंसाइनर ने गुड सेंड की कंसाइनी को, जैसे कंसाइनर ने गुड सेंड की कंसाइनर को कंसाइनी को, तो इस प्रोसेस में जो एक्सपेंस लगेंगे वो सारे एक्सपेंस हम किसमें शो करेंगे, कंसाइनमेंट में। कंसाइनी के गोडाउन में जो एक्सपेंस लगेंगे वो भी कंसाइनमेंट में शो करेंगे, लेकिन इटसेल्फ कंसाइनर पर्सनल लेवल पर जो खर्च कर रहा है अपने बिजनेस के लिए वो अपने ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाएगा, ना कि कंसाइनमेंट में। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए, बाकी अभी मैं जब अकाउंटिंग पर आऊंगा, मैंने आपकी बात को रिजर्व रख लिया, मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा कई जगह की, देखो बेटा अभी ये ऐसे हो रहा है, मैं इसको रिजर्व रख लेता हूं मेरे पास। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ बताते चले, मैं हर एक बात को कंसीडर करके चलूंगा, सही है। कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं मेन टाइम पर अभी नहीं बता रहा हूं, बट मैं उसको रिजर्व कर लूंगा, टाइम आने पर अपने आप कनेक्टिविटी दे दूंगा कि बेटा आपका ये क्वेश्चन था, इसका ये रिप्लाई है, कनेक्टिविटी में अपने आप ले लूंगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर पूछिए कि सर ये बात का क्या जवाब है, वो मैं अपने आप रिपीट करता रहूं, ठीक है जी, सुनते जाओ। तो मैंने दो तरह के एक्सपेंस बता दिए, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। चलिए, तो मेरे पास रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दो तरह के बेटे एक्सपेंस हो गए, आप समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए, अब मेरा मेन मुद्दा क्या है इसके अंदर कि मैंने कंसाइनी जो बनाया उसको बेटा मैं गुड्स ओनली सेंड कर रहा हूं, वापसी में ऊपर आ रहा हूं स्क्रीन रोटेट करके, एक बार एक बात को समझिए बेटा। अब थोड़ा आपका चैप्टर का लेवल बन गया, अब थोड़ी बातें मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं। बेटा कंसाइनर वो पर्सन है जिसने कंसाइनी को अपना एजेंट बनाया, कंसाइनी को हमने ऑफर क्या किया, सारा रिस्क मेरा, सारे एक्सपेंस मेरे, चाहे वो रेकरिंग हो चाहे वो नॉन रेकरिंग हो, पे कोई भी करे, बियर कौन करेगा, कंसाइनर। पे करना और बियर करना दो अलग अलग बातें हैं। पे करने का मतलब जिसकी जेब से जा रहा है, मतलब एक बार जो जेब से निकाल के पे कर रहा है। बियर करने का मतलब अल्टीमेटली जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, कंसाइनर ने किसको गुड सेंड किया, कंसाइनी को। कुछ खर्चे शुरू से ही किसने कर दिए, कंसाइनर ने, वो तो कंसाइनर ने कर दिए। अब एक बात सोचो, मैंने गाड़ी लोड करके कंसाइनी के गोडाउन में भेज दी, अब मैं दिल्ली में बैठा हूं, कंसाइनी हिसार में बैठा है, तो मैं उसको जब गाड़ी लोड करूंगा तो हिसार में जाके गाड़ी अनलोड करवाने तो नहीं जाऊंगा, अनलोड तो कंसाइनी कराएगा, और मैं उसको पैसे देके भेजूंगा नहीं क्योंकि अनलोडिंग तो कंसाइनी करवा रहा है। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं सुनो, अब कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो कंसाइनी को अपने एंड पे करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, कंसाइनर ने तो स्टॉक भेज दिया, अब गोडाउन, वहां गोडाउन में अनलोड करवाना है, गोडाउन का रेंट पे करना है, या उसको बेचने के लिए जो नॉन रेकरिंग और रेकरिंग एक्सपेंस करने हैं, कुछ एक्सपेंस एक बार के लिए कंसाइनर कर रहा है और कुछ एक्सपेंस एक बार के लिए किसको करने पड़ सकते हैं, कंसाइनी को, बार बार कंसाइनर को तो बुलाएगा नहीं। तो लेकिन क्या होगा, उसका रिइंबर्समेंट होता है बेटा। रिइंबर्समेंट का मतलब होता है कि हमने कंसाइनी को बोला कि आप हमारे एजेंट हो, आप एक बार एक्सपेंस कर लो, आपके जो ये एक्सपेंस है हम आपको पे कर देंगे,
इसको पे करने के दो तरीके हैं, या तो हम आपको कैश भेज देंगे, या दूसरा तरीका क्या होगा जो मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन में यूज करूंगा कि हमने आपको स्टॉक सेंड कर दिया, आप इसको बेचो, इसको बेचने पर एक्सपेंस करो, जो आपका एक्सपेंस बनता है, जो आपका कमीशन बनता है, जब आप सेल करेंगे सेल में से एक्सपेंस लेस कर लो, आपने जो एक्सपेंस किए वो लेस कर लो, जो आपका कमीशन बनता है वो लेस कर लो, और रिमेनिंग अमाउंट हमें आप हैंड ओवर कर लो। आपसे स्टॉक बिक गया, जितना स्टॉक सेल किया उतने स्टॉक के ऊपर जो आपका कमीशन बनता है, जो आपके एक्सपेंस हुए सब माइनस कर लो, रिमेनिंग अमाउंट हमें आप दे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी में काम होता है बेटा। चलो मैं इससे आगे, सुनते जाओ आप मेरी बात को। चलो जी, अब अगली बात मैं बता रहा हूं बेटा कि कंसाइनी को हमने गुड सेंड कर दी, कंसाइनी को किस बेसिस पर गुड सेंड किया, कंसाइनी को हमने क्या ऑफर किया था? कमीशन। अब एक बात बताइए, कंसाइनी को अगर कमीशन मिलेगा तो आपको यहां कमीशन की भी टाइप्स का पता होना चाहिए। तो जरा थोड़ा सा लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कमीशन। हम कंसाइनी को ऑफर जब करेंगे कमीशन कि भाई हम आपको क्या देने वाले हैं, कमीशन देने वाले हैं, तो कंसाइनी भी क्या सोचेगा कि यार कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। मेरी बात को समझना बेटा, टाइप्स ऑफ कमीशन लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा भी कमीशन कौन कौन से हो सकते हैं और कौन सा कमीशन किस सिचुएशन में मिले। देखो जब बात आती है ना कमीशन की, तो ये किसको मिलने वाला है बेटा? कंसाइनी को। किसकी तरफ से? कंसाइनर की तरफ से। और क्यों मिलेगा? क्योंकि आप हमारा प्रोडक्ट बेचने वाले हो, तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आपके लिए क्या है? कमीशन। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कमीशन की, तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें, हम आपको जो कमीशन देंगे उसका पहला जो टाइप है उसका नाम होता है बेटा नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन, कुछ लोग इसको ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑर्डिनरी कमीशन भी बोलते हैं। आप इसको नॉर्मल कमीशन बोलिए, आप इसको ऑर्डिनरी कमीशन बोलिए, एक ही बात। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या होना कमीशन है भाई, बात खत्म है ना। कि हमने जब कंसाइनर और कंसाइनी एग्रीमेंट किया, मैंने राहुल साहब को बुला लिया कि राहुल साहब हमारा प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। राहुल जी बोले सर बिल्कुल बेच देंगे, लेकिन पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लें कि भी हम अगर आपका प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सही है? तो हमने बोला राहुल जी हम आपको कमीशन देंगे। तो राहुल जी का अगला क्वेश्चन क्या होगा? कितना दोगे? कमीशन तो डिसाइड कर लो, परसेंटेज तो डिसाइड कर लीजिए। तो हमने जो स्टैंडर्ड परसेंटेज डिसाइड किया उसे हम लोग क्या नाम देने वाले? नॉर्मल कमीशन। या उसका नाम क्या होगा? ऑर्डिनरी। तो डिफाइन क्या करना है? नॉर्मल कमीशन तो नॉर्मल है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया, कंसाइनी जिस कमीशन के लिए प्रोडक्ट बेच रहा है उसका नाम है बेटा नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी। एक हमारे पास होगा, लिखिएगा डेल क्रेडिट कमीशन। नंबर टू, डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन, आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? डेल क्रेडिट कमीशन कब देंगे? मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, थ्योरी तो अभी भी पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन जब मैंने बेसिक मॉडल बताया तो मैंने बोला सारा रिस्क हमारा है। मैंने बोला था ना पॉइंट कि सारा ऑल रिस्क रिलेटेड विद कंसाइनर, क्योंकि ओनर हमें, हमने तो आपको गुड सेंड कर दी, आप सेल करो, जितने एक्सपेंस होंगे सब हमारे, आप सेल कर दो, क्रेडिट में कर दो, बैड डेट होंगे तो हमारे। आप तो टेंशन फ्री हो गए, आप तो जाके स्टॉक किसी को भी चिपका देते हो, आपको तो बेचने से मतलब है, क्योंकि आप बेचोगे उधार बिके कैश में बिके आपका तो स्टॉक बिकना चाहिए। सही है? और आप तो कमीशन लेके एक साइड हो जाते हो, क्योंकि उधार बिकेगा तो भी आपको कमीशन मिलेगा, कैश में बिकेगा तो भी हम आपको कमीशन देंगे। और एक बात प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने एजेंट कंसाइनी को स्टॉक सेंड कर दिया, इसने आगे उधार में सेल कर दिया, इसने अपना काम कर दिया, ये अपना कमीशन मांगेगा नहीं मांगेगा? अपना कमीशन लेके ये साइड में हो गया, जिसको इसने सेल किया वो पर्सन बैड डेट हो गया।
हमारा तो भाई साहब डबल लॉस हो गया, क्योंकि आप अपना कमीशन ले गए, कस्टमर हमारे पैसे लेके भाग गया, हमारा स्टॉक भी गया और हमने कमीशन भी दे दिया, हम तो डबल मारे गए। अब हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि लाओ राहुल जी हमारा कमीशन वापसी लाओ, हमारा पैसा बैड डेट हो गया। तो राहुल क्या बोलेगा कि सर मैंने तो मेरा काम ईमानदारी से किया था ना, अब आपका कस्टमर बैड डेट हो गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो सेल किया था, मैंने तो मेहनत की थी, मैं तो अपना कमीशन लूंगा। इसका मतलब है राहुल किसी को भी स्टॉक चिपका देता है, लॉस मेरा हो जाता है, सही बात है ना। तो मैंने देखा यार ये तो काम गड़बड़ है, राहुल जिसको बेचता है वो बैड डेट हो जाता है स्टॉक। तो मैंने राहुल जी को बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया, मैंने बोला राहुल जी मतलब आप है ना इतना बढ़िया काम कर रहे हो कि दिल खुश हो गया, आप कितने बढ़िया सेल करते हो, हमारा दिल करता है कि हम आपका कमीशन का रेट बढ़ा दें। राहुल दबाता बैड डेट्स किए जा रहे हैं, लेकिन बुलाया मैंने बोला कि राहुल जी आप कितना अच्छा काम करो, कितनी बढ़िया सेल करते हो, आप करते कैसे हो चीज, हमारा दिल कर रहा है हम आपका कमीशन का रेट बढ़ा दें। अब राहुल ने सोचा यार कोई ना कोई बात तो है, आज सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मैं तो बैड डेट्स किए जा रहा हूं, मैं तो आने से डर रहा था, सर तो खुश बैठे मेरे से कि आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो मैंने बोला राहुल ऐसा है देखो आप प्रोडक्ट बेचते हो, कितनी मेहनत करते हो, कस्टमर पकड़ के लाते हो, हम आपका कमीशन ऑर्डिनरी 10% है, हम आपको 2% एक्स्ट्रा कमीशन आज से और देंगे जिसका नाम है डेल क्रेडर, बट इस कमीशन के पीछे थोड़ा सा राज है, वो है टू रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अब आप शायद थोड़ा समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं, मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपको डेल क्रेडर कमीशन दे दिया, इसका मतलब बैड डेट्स का रिस्क अब किसको रिलेट करेगा, कंसाइनी, सही है कि हम आपको कमीशन 10 की बजाय 12 दे देंगे, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है आप ये बैड डेट्स मत किया करो, अगर आज के बाद करोगे तो वो रिस्क आपको रिलेट करेगा, हम वो लॉस बियर नहीं करेंगे, सही है। तो लेकिन एक बात सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, पेपर में ये बात आपको परेशान करने वाली है, बेटा अगर बैड डेट्स का रिस्क हुआ कंसाइनी से रिलेटेड तो तभी होगा जब डेल क्रेडर कमीशन की बात हो, अगर वहां डेल क्रेडर कमीशन नहीं है आप समझ लो बैड डेट्स कंसाइनर का ही रहेगा। तो एक चीज दिमाग में लेकर चलो, अगर बैड डेट्स का रिस्क है तो लॉस किसको रिलेट कर रहा है, सॉरी अगर डेल क्रेडर कमीशन है तो लॉस किस, बैड डेट्स का लॉस किसको रिलेट कर रहा है, कंसाइनी को, अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया तो किसको रिलेट करेगा, ये वाली बात सभी को मेरे ख्याल से क्लियर है। डेल क्रेडर कमीशन क्यों देंगे सभी को क्लियर है, चलिए। और थर्ड एक कमीशन और आता है जी, ओवरराइडिंग कमीशन, एक कमीशन का नाम और है जिसका नाम है बेटा ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज आ गई, बेटा ओवरराइडिंग कमीशन तब कंसाइनर कंसाइनी को देगा टू सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। ये कब मिलेगा, जब आप सरप्लस प्राइस रियलाइज करेंगे। आप बोलेंगे सर सरप्लस प्राइस रियलाइज करने का मतलब क्या होता है, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहा तो हम आपको उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कमीशन देंगे जिसका नाम होगा ओवरराइड। आपको बात पूरी समझ में नहीं आई, सुनिए, मैंने जब प्रोडक्ट एक पेन विशेष पेन बनाकर बेचा, राहुल को बोला कि आपको ये पेन कितने में सेल करना है, 10 रुपी में, राहुल बोला बस 10 रुपए का ही। राहुल बोला सर हमारे यहां तो जो कस्टमर है वो इसको 12-15 में भी परचेज कर लेंगे। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, आप चाहें तो इसको इससे ज्यादा में भी सेल कर सकते, अगर आप इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ज्यादा में सेल करेंगे तो अप टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस हम आपको ऑर्डिनरी कमीशन देंगे, एंड अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस अगर आप ज्यादा प्राइस रियलाइज करते हैं तो उस सिचुएशन में हम आपको जो है ओवरराइडिंग कमीशन। फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला ये पेन 10 रुपए में सेल करना है तो आपको हम 10% कमीशन देंगे, लेकिन अगर आप इसको 10 से ज्यादा में सेल करते हो तो जितना सरप्लस अमाउंट आएगा उस पर हम आपको ओवरराइडिंग कमीशन देंगे। जनरली ओवरराइडिंग कमीशन का जो रेट होता है वो नॉर्मल रेट से कहीं ज्यादा होगा, क्यों,
क्योंकि हम तो ये चाहते थे ना कि 10 रुपए में पेन बिके, आप उसको 12 में सेल कर रहे हो, तो जो 2 रुपए ऊपर वाला आ रहा है वो तो फ्री का ही आ रहा है, तो उसमें हम आपको कमीशन का रेट ज्यादा भी दे सकते हैं। सही बात है। लेकिन पता है यहाँ तो एक सैटेलाइट लगा हुआ है, वो सैटेलाइट पता है क्या कैच कर रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक्स्ट्रा पैसे बेचकर वो बताएगा क्यों। सैटेलाइट कैच कर रहा है, मेरे दिमाग में वो रेंज आ गई, मैं गलत तो नहीं सोच रहा, कुछ लोग सोच रहे थे कि यार 10 वाला पेन अगर राहुल 12 में सेल करेगा तो पूरे 2 रुपए अपने पास ही रख लेगा, वो क्यों बताएगा कि मैंने 12 में सेल किया। सही बात है ना, आप मेरे को पक्का पता था आप सोच रहे थे, क्योंकि अपना काम ही बेईमानी से स्टार्ट होता है ना, कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए। सही है। देखो मैं अगर आपको सही बात बताऊं ना, मैं आपको कोई बेईमानी वाली बात तो समझा ही नहीं रहा, मैं तो आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं कि भाई अगर सब कुछ ट्रू एंड फेयर होता है तो काम ऐसे होता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जिस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती वहां काम नहीं चल सकता, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, शॉर्ट टर्म में चल सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। क्योंकि अगर राहुल मेरा प्रोडक्ट 12 रुपए में सेल कर रहा है और एक जगह से भी इंक्वायरी आती है कि आपका प्रोडक्ट 12 रुपए में बिक रहा है जबकि हमें पता चल रहा है कि वो 10 रुपए में सेल हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा दिक्कत आती है। हम राहुल से बात करेंगे, राहुल जी क्या चक्कर है, कस्टमर कहते हैं 12 में बेच रहे हो, आप जो है 10 वाला 12 में बेच रहे हो, हमें बता ही नहीं रहे हो। देखो बात पता है कैसे ही मायने में, ये तो विशेष पेन 10 रुपए की मैं बात कर रहा था, कंसाइनमेंट में बड़े बड़े प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जिनकी ऑनलाइन बिलिंग होती है बेटा। ट्रांसपेरेंसी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 10 का प्रोडक्ट 12 में बेच के हमसे चोरी कर सकते हो, कर भी सकते हो, बट हम चाहें तो सिस्टम ही ऐसा बना देंगे कि जिसमें आप 12 लोगे तो 12 हमें पता चलेगा, 10 लोगे तो 10 हमें पता चलेगा। आजकल जो ये डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी साहब ने, आजकल ऐसे ऐसे जुगाड़ है हमारे पास, ऐसे ऐसे तरीके हैं हमारे पास कि आप मजा ले आप 1 रुपए की चोरी कर लो, हम सिस्टम ही ऐसा बना देंगे कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी रखना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं कि जिसमें चोरी जो है बिल्कुल बंद हो सकती है। सही बात है जी। तो चलो वो छोड़ो, चोरी वाली बात छोड़ो, अगर राहुल बिल्कुल ईमानदार हो तो काम कैसे होगा मैं वो बताने की बात कर रहा हूं, और हमें राहुल के ऊपर पूरा विश्वास है कि ये चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल ईमानदार बच्चा है। सही है जी। 12 का बेचेगा तो 12 का ही बताएगा, 15 का बेचेगा तो 15 का ही बताएगा। उस सिचुएशन में ओवरराइडिंग कमीशन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उस पर हम कमीशन देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे ऑर्डिनरी कमीशन, उससे ऊपर जो कमीशन होगा उसका नाम होगा बेटा ओवरराइडिंग कमीशन। सही है जी। बेसिक बातें आज मैं आपको बता के चला हूं, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, कंसाइनमेंट में पार्टीज कौन होंगी, कंसाइनमेंट में कौन कौन से एक्सपेंस होंगे, कंसाइनमेंट में एक्सपेंस के अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें जो है कमीशन जब हम कंसाइनी को देंगे तो कौन कौन से देंगे, इसके अलावा भी छोटी छोटी कई सारी बातें हैं जो कि हमें समझ के चलनी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से बेटा स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सही है। आज मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, हम लोग इसको पढ़िए, सिर्फ आज मैं बुक से थोड़ा थ्योरी आप पढ़िएगा इसको, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।